क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो एफ दे रखा है, सॉरी फंक्शन जी दे रखा है 0 से 4 से लेकर के आर, वो जो फंक्शन जी दे रखा है अपने को, मैक्स ऑफ टी की वैल्यू है 0 से x, टी क्यूब माइनस 60² + 90 माइनस 3, एक्स की वैल्यू जब 0 से 3 है 4 - x। वो जो पहले अपने को जो फंक्शन जिसका मैक्स है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो एफ ऑफ टी मान लेते हैं अपन, टी क्यूब माइनस 60² + 90 - 3 है, ये अपन ने कोई फंक्शन मान लिया जो अंदर है। इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, एफ डैश ए टी कितना रहा, 3t² - 12t + 9। बच्चों आराम से यहाँ पर 3 कॉमन दिख गया, t² - 4t + 3, ठीक है। बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 3 × t - 1 × t - 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 1 और 3 पर डेरिवेटिव आ रहा है 0, और इस तरह का साइन स्कीम आ रहा है, यानी कि फंक्शन पहले बढ़ा है फिर घटा है फिर आगे चल के बढ़ा है। बच्चों यहाँ पर मैक्स जो दे रखा है ना टी की वैल्यू 0 से x, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व ये करें कि जो 0 है वो आपका फिक्स नंबर है, ठीक, और x आपका वेरी कर रहा है, तो मान लो आपने यहाँ पर 0 पर फिक्स कर रखा है और x का वैल्यू हाफ आ गया, मान लो x हाफ है, तो मैक्सिमम ऑफ दिस क्वांटिटी जब t का वैल्यू 0 से हाफ है, तो आप देखिए इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों इस इन सारे y कोऑर्डिनेट का, फंक्शन का मतलब क्या होता है y कोऑर्डिनेट, तो इन सारे y कोऑर्डिनेट में से सबसे ज्यादा y कोऑर्डिनेट कहां पर है जब x का वैल्यू 0 से हाफ है, हाफ पर। क्यों? क्योंकि 0 से हाफ में फंक्शन क्या इंक्रीजिंग था ना, तो इंटरवेल इस तरह का जो इंटरवेल है 0 से लेकर के x, इस इंटरवेल में एक बढ़ते हुए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, x पर ही आएगा, क्लियर। इंक्रीजिंग फंक्शन का आगे जाकर के आपका मैक्सिमम आएगा, तो मैक्स वुड बी द फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन यानी कि जहां जहां t की जगह x रख दो x पर, एफ टी का मैक्सिमम कहां पर है, x पर, यानी कि एफ एक्स पर। बच्चों क्या होगा, एक बार 1 पर मैक्सिमम आ गया, तो मान लो आपने इंटरवेल लिया, अब की बार लिया आपने 0 से लेकर के 3/2 ले लिया, तो भैया यहां से लेकर के यहां तक 3/2 तक इन सारी जगहों पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अरे भैया 1 है, कांस्टेंट आता रहेगा, तो 3 तक आपका ये कांस्टेंट आता रहेगा, और ठीक है फिर तो 3 तक इसमें कांस्टेंट ही लेना है। तो बच्चों 1 पर देख लो, अब 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है बताओ मेरे को, तो उस एफ ऑफ फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ रहा है भाई, 10 - 9, 1 पर वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है। अच्छा उसको डिफाइन कर लेते हैं, तो डिफाइन ऐसे किया कि 0 से 1, 1 से 3, 0 से 1, 1 से 3, 0 से 1 में तो इंक्रीजिंग है, तो यही आ जाएगा x³ - 6x² + 9x - 3, ठीक है ऐसा बच्चों। और वन से थ्री में एफ ऑफ 1 आ जाएगा, 1 से 3 में एफ ऑफ 1 जो कि एक्चुअली 1 ही है, ठीक है। उसके बाद 1 से 3 से तो 4 - x आ जाएगा, ठीक है। जी इज नॉन डिफरेंशियबल है ना, एट अ फंक्शन दिस डिफाइंड एज दिस इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस, जी इज नॉन डिफरेंशियबल, इसे नॉन डिफरेंशियबल देखें। तो बच्चों ऐसे सोचो, ये ऐसे करके प्लेटू आएगा, ठीक है ना, ये आपका डेफिनेशन ऐसे करके, तो आपका कंटिन्यूस आ रहा है ना, ब्रांच वाइज तो कंटिन्यूस है, पर प्लेटू आएगा तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना है 0, और इसका भी डेरिवेटिव जैसा कि देखा ही अपन ने भी कि इसका डेरिवेटिव 1 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो डिफरेंशियबल है ये 1 पर। बच्चों 3 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव कितना है 0, और 3 के राइट साइड में डेरिवेटिव कितना है -1, तो 3 पर ये नॉन डिफरेंशियबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बच्चों कितने आ जाएंगे, 1 पॉइंट है जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल है।